दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ACE2 नामक प्रोटीन के बारे में। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बड़े प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को काटकर छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है ताकि कोशिकाओं में कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के अंदरूनी हिस्से को बाहरी हिस्से से जोड़ता है। ये प्रोटीन COVID-19 महामारी के दौरान चर्चा में आया था क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस पर प्रतिक्रिया करता है और इसे मानव कोशिका को संक्रमित करने में सक्षम बनाता है। कई अध्ययनों में पाया गया कि जब COVID-19 मानव शरीर में अधिक कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए ACE2 रिसेप्टर पर हमला करता है तो ये फैक्टर H को कोशिका के साथ बांधने के लिए चीनी अणु का उपयोग करने से भी रोकता है। ACE2 मुख्य रूप से फेफड़ों में पाया जाता है लेकिन इसके अलावा ये हमारे हृदय, आंतों, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों में भी मौजूद होता है।